हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड फेज काउंसलिंग रिजल्ट। जैसे कि आपको पता होगा कि उसका अलॉटमेंट लेटर अब आप डाउनलोड कर सकते हो, साइट को ओपन कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया है तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने से पहले क्या सावधानी बरतनी होगी, तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम updeled की जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चलिए हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर आपको भी चेक करना है तो आप वैसे ही सेम करना। ठीक है गाइस, तो चलिए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि मैं updeled की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। अगर आपको भी चेक करना है अपना रिजल्ट तो आपको भी सिंपली यही सर्च बॉक्स में सर्च करना है updeled.gov.in। ठीक है, उसके बाद अगर आप फ़ोन में खोल रहे हो तो आप फ़ोन में ये जो थ्री डॉट दिया है इस पर क्लिक करके उसको डेस्कटॉप साइट पर कर लेना है। अब आपको नीचे सिंपली कुछ नहीं करना है, नीचे जाना है, स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल कर यहाँ लिखा है अलॉटमेंट रिजल्ट। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे कि मैंने क्लिक किया तो देखिए अभी ओपन होगा। ठीक है, इसके पहले क्या हो रहा था कि साइट क्लोज्ड हो गया था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आज काउंसलिंग भी होगी। ठीक है, जिनको आज अगर वो रिजल्ट चेक करेंगे, अगर उनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, फिर उनको आज काउंसलिंग करने का और 25 तक काउंसलिंग कर सकते हैं, फिर 26 को रिजल्ट आएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि अब आप कैसे अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तो सबसे पहले लिखा है सेलेक्ट कोर्स। ठीक है, तो आपको सेलेक्ट कोर्स में जैसे कि मैं आप देख सकती हूँ यहाँ DELED फिल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर या आपके रजिस्ट्रेशन हॉट कॉपी में होगा वही इसमें फिल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। ठीक गाइस, और उसके बाद फिल करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा कैप्चा कोड। ठीक है, आपको यहाँ कैप्चा कोड दिख रहा होगा, इसको फिल कर लेना है, जैसे है वैसे ही फिल कर लेना है। तो आप यहाँ देख सकते हो ओनली अभी नंबरिंग में दिया है, तो वो फिल कर लेना है। और उसके बाद आप यहाँ जैसे ही गेट रिजल्ट पर करोगे तो आपका अलॉटमेंट लेटर शो होने लगेगा। ठीक है, फिलहाल मेरे पास कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर DOB नहीं है, वरना मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ईजी है। अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर DOB दे सकते हो, मैं चेक करके आपको बता दूंगी। ठीक है गाइस, लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने से पहले, हाँ आप देख सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है और कौन सा कॉलेज नहीं, लेकिन हाँ अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो आप डाउनलोड कर लो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप आज ही करोगे। ठीक है, आप 29 अगस्त तक डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहो तो साइबर वाले दुकान पर जाना और वहीं से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि बहुत दिक्कत आता है। ठीक है गाइस, तो बस मुझे यही इन्फॉर्मेशन देना था। और अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, मतलब जिनको कोई भी कॉलेज सीट अलॉट नहीं हुआ है वो उनकी अभी साइट क्लोज्ड है। ठीक है, तो बस मुझे यह इन्फॉर्मेशन देना था। ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही बेल आइकन में क्लिक कर ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड सी यू अगेन।